नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्टोरी के अंदर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडिया के अंदर जो है टिकटॉक को अभी जो है बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी 59 एप्स को यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज यहाँ पे जो बताने वाला हूँ कि किस वजह से इन एप्स को यहाँ पे जो है बंद किया गया है, और दोस्तों इसके पीछे जो असली जो रीजन है, जो कारण है, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आज बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को यहाँ पे जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पिछले काफी समय से इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे जो है सीमा के ऊपर विवाद भी चल रहा है। तो दोस्तों वो भी यहाँ पे जो है एक मैटर यहाँ पे रखता है, एक बड़ा कारण यहाँ पे जो है हो सकता है। तो दोस्तों उसके अलावा भी यहाँ पे जो है काफी सारे जो है कारण वगैरह है जिनकी वजह से टिकटॉक को या फिर मान लीजिए काफी सारे जो एप्लीकेशन है, हैगो को, हेलो को, इन सभी को यहाँ पे जो है बैन अभी कर दिया गया है। तो दोस्तों जो 59 एप्स है उनकी जो लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे जो है साइट के ऊपर एक बार दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे जो है देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो सारी एप्लीकेशन है इन सभी को यहाँ पे जो है अभी बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे जो है टिकटॉक को बैन करने का एक सबसे बड़ा कारण एक और भी यहाँ पे है कि दोस्तों पिछले काफी समय से यहाँ पे जो है एक चीज यहाँ पे जो ट्रेंडिंग के अंदर आ रही है कि जो टिकटॉक है वो हमारे इंडिया से जो भी डाटा यहाँ से जो कलेक्ट कर रहा है वो सारा का सारा डाटा यहाँ पे जो है चाइना के अंदर वो बेच रहा है। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि हमारी जो प्राइवेसी है, जो भी हमारा डेटा वगैरह है, वो यहाँ पे जो है लीक करने के मामले में भी टिकटॉक को यहाँ पे जो है बैन किया गया है। तो दोस्तों भारत सरकार ने इसके बारे में एक जानकारी यहाँ पे जो है अपडेट दिया था, उसके तहत उन्होंने कहा था कि जो भी चाइनीज एप्स वगैरह है, हो सकता है कल को यहाँ पे जो सीमा के ऊपर विवाद कम हो या फिर ज्यादा हो जाए, जो भी सीन रहे, तो उसके अंदर क्या है, जो चाइनीज एप्स वगैरह होती है वो हमारे इंडिया से जो है डाटा को यहाँ पे जो है कलेक्ट कर सकती है। तो दोस्तों ऐसे में हमारी जो सेना है, हमारे जो नागरिक है, तो उनको यहाँ पे दोस्तों काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो भी डाटा वगैरह है वो सारा का सारा जो है चाइना के पास में चला जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस कारण की वजह से भी यहाँ पे जो है टिकटॉक को बैन किया गया है। तो दोस्तों पिछली बार जब भी टिकटॉक को यहाँ पे बैन किया गया, तो इसी कारण से यहाँ पे जो इंडिया के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया था कि टिकटॉक जो है हमारा यहाँ पे जो है डाटा लीक कर रहा है। तो दोस्तों ये बात एकदम यहाँ पे जो है सच है कि टिकटॉक ने बहुत सारी यहाँ पे जो है हमसे परमिशन वगैरह ले रखी थी। दोस्तों ऐसे में क्या है कि हमारा जो कैमरा है, माइक है, हमारे जो फोन कॉल्स है, वो सारे के सारे यहाँ पे दोस्तों जो है टिकटॉक अपने यूज भी कर सकता है। हालांकि दोस्तों उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों अपने जो है चाइना का यहाँ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो है टिकटॉक एकदम तरीके से बैन हो चुका है, केंद्र सरकार ने इस चीज की मंजूरी दे दी है, और जो टिकटॉक है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी बैन कर दिया गया है। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे जो यूसी ब्राउजर है वो अभी रनिंग तो कर रहा है, लेकिन दोस्तों वो एक या दो दिन के अंदर यहाँ पे जो है बंद भी हो जाएगा। तो दोस्तों काफी सारे लोग यहाँ पे जो इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि 24 घंटे के बाद में या फिर 20 घंटे के बाद में यहाँ पे जो टिकटॉक वापस आ जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। टिकटॉक इस बार फाइनल तरीके से यहाँ पे जो है बैन हो चुका है। बाकी अपने आगे यहाँ पे जो देख लेंगे कि केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार हमको क्या क्या यहाँ पे जो अपडेट वगैरह देती है। तो दोस्तों अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि जो टिकटॉक है या फिर जो भी 59 एप्स है, जैसे वीमेट है, हैगो है, हेलो है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पे जो है अभी बंद कर दी गई है। तो दोस्तों मुझे आप जो है कमेंट करके जरूर बताना कि इन सारी एप्लीकेशन को यहाँ पे जो बंद करने के बाद में आप लोगों के क्या क्या सुझाव है कि क्या केंद्र सरकार ने बिल्कुल यहाँ पे जो है सही कदम उठाया है। तो दोस्तों आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर जरूर अपनी राय दे देना कि दोस्तों क्या मोदी सरकार ने बिल्कुल यहाँ पे जो है सही डिसीजन लिया है या फिर नहीं। तो बताइए दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।